तो गाइस हम अपनी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है, पाइथन का यूज़ करके, और हम उसे एक ऑप्टिमाइज तरीके से बनाएंगे और फंक्शंस का भी यूज़ करेंगे बीच में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने कैलकुलेटर का नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है। अभी मेरे पास जो है नीचे टर्मिनल खुल रखा है, ये ब्लैंक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन, मतलब प्रिंट का यूज़ करके, वेलकम टू कैलकुलेटर, ठीक है। तो मेरी, जैसे कि पता है, इतने टाइम से वीडियोस में हम देखते आए हैं कि प्रिंट कमांड जो है वो हमारा नॉर्मली ये जो हमने लिखा है वो प्रिंट करके हमें दे देगी, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आती है, ये, ठीक है। इस फाइल का पूरा पाथ आता है कि इस फाइल को हमने कहाँ से रन करा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, मेरा ये चीज़ ना आए, तो हम यूज़ करते हैं क्या, OS मॉड्यूल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब बात आती है कि हम उसे यूज़ कैसे करेंगे। वो उसमें एक फंक्शन होता है सिस्टम सी, मतलब क्लियर, ठीक है। तो उस, मैं पहले लिख देता हूँ, एक मिनट, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट OS, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे OS के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मतलब कि OS के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, मॉड्यूल तो खुद ही है, तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस पड़े हैं वो सारे के सारे हम एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इंपोर्ट OS का यूज़ करके। तो अब OS से होगा क्या, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अगर मैं अभी रन करके, एक मिनट, सबसे पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ नीचे से, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, अभी मेरा ये मॉड्यूल मैंने यूज़ नहीं करा, अभी सिर्फ मैंने लिखा है। तो मैं रन करता हूँ तो मेरे पास अभी भी ये चीज़ आ रही है, ठीक है, ये पाथ मेरे पास अभी भी प्रोवाइड हो रहा है, मतलब ये पाथ मुझे दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना दिखे तो हम क्या लिखेंगे, OS डॉट सिस्टम ब्रैकेट्स CLS, ठीक है। अब इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से क्या होगा, क्लियर स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन क्लियर कर देगी जो हमारे टर्मिनल पे होएगी, मतलब टर्मिनल पे हमारे जो भी लिखा होगा वो पहले क्लियर होएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन रन होगी, ठीक है। तो अगर मैं अब चलाता हूँ इस चीज़ को तो मेरा वो हट जाएगा, ये आया और ये हट गया, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो रही है सिर्फ, अब मुझे पाथ जो है वो नहीं दिख रहा, पाथ वो हटा दे रहा है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, प्रिंट, सबसे पहले मुझे हमारा मेन्यू बनाना पड़ेगा टूल का, कैलकुलेटर का, कि हमने क्या क्या चीज़ें करानी है। सबसे पहले हम कराएंगे ऐड, या मैं इसे लिखूँ तो एडिशन, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसके बाद डिवाइड, इसके बाद रिमाइंडर्स, ठीक है। तो हम रिमाइंडर्स किसके निकालेंगे, इंटीजर्स के, क्योंकि हम अभी इंटीजर्स पर ही फोकस कर रहे हैं, फ्लोट पे हमने अभी काम नहीं किया है इतना ज़्यादा, बनेगा सेम ही फ्लोट के लिए भी, लेकिन अभी हमने उस पर काम नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हमने क्या करना है, हमने यूज़र से इनपुट करवाना है कि वो कौन सा मेथड है जो यूज़ करना चाहता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो मैं इसे कर देता हूँ फिफ्थ, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं करते, इसे बनाते हैं फोर्थ, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई थर्ड पे ना, एक मिनट, प्रिंट। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब मेरा मेन्यू भी तैयार है, अब मेरी जो इसका टाइटल है ये वाली, मतलब हेडिंग जो मेन टूल का नाम है वो भी तैयार है। तो मैं इसे अब रन करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा रन होगा यहाँ पे,
ये बस ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये चीज हमारी अब रन हो रही है। अब इसके बाद का स्टेप हमारे पास क्या आता है कि हमने यूजर से इनपुट करवाना है कि वो कौन सी चीज जो है वो, मतलब यूजर से इनपुट करवाना है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यहाँ पे थर्ड आएगा, ठीक है। तो मैं इसे अब रीरन करता हूँ, तो अब ये प्रॉपर प्रिंट करेगा बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ एक चॉइस, ठीक है। चॉइस वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यूज़र पे डिपेंड है, हम यूज़र से चॉइस लेंगे ना कि वो क्या चीज़ इनपुट कर, मतलब वो क्या करवाना चाहता है, ठीक है। तो चॉइस इक्वल टू इंट, इंट हमने यहाँ पे यूज़ किया टाइप कास्टिंग के लिए। इंट के अंदर हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे इनपुट, ठीक है, जो यूज़र से इनपुट लेगा, और इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है यूज़र से, और इंटीजर जो हमने बाहर लिखा है वो टाइप कास्ट कर देगा, टाइप कास्टिंग कर देगा उस स्ट्रिंग की, ठीक है। उस स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट करके चॉइस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। इतना सा काम है सिर्फ इस लाइन का, पूरी लाइन का, इस पूरी लाइन का, एंटर योर चॉइस, ठीक है। इस पूरी लाइन का बस इतना सा काम है कि यूजर से इनपुट लेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में और उसे टाइप कास्ट कर देगा इंटीजर में, और फिर उस इंटीजर को असाइन करेगा कहाँ पे, हमारे चॉइस वेरिएबल के अंदर जो मैंने ये बनाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो मैं एक और सेपरेट फाइल बना लेता हूँ क्योंकि हम एक ऑप्टिमाइज्ड कोड बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं सेपरेट फाइल बनाता हूँ, और इस सेपरेट फाइल में हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शंस लिखेंगे, फंक्शंस डॉट पाई, ठीक है। हम इस फंक्शंस वाली फाइल में हमारे फंक्शन लिखेंगे जो हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, हमारे कैलकुलेटर वाली फाइल में, ठीक है। इस फाइल में हम यूज़ करेंगे इस फाइल के फंक्शंस, ठीक है, एज अ मॉड्यूल। मतलब ये वाली फाइल जो है फंक्शंस वाली, वो हमारे लिए मॉड्यूल का काम करेगी, जैसे ये ओएस जो है वो काम कर रहा है मॉड्यूल के लिए। ये बेसिकली एक फाइल है जो पाइथन में प्री डिफाइंड, मतलब प्री डिफाइंड होती है, और ये एज अ मॉड्यूल काम कर रही है इस कोड के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे यूज़ किया इम्पोर्ट ओएस। इसके साथ हम यहाँ पे अगली लाइन में लिख सकते हैं इम्पोर्ट फंक्शंस, बस इतना सा काम है। अब हमारी फंक्शंस वाली फाइल भी इसके साथ अटैच हो चुकी है, बेसिकली वो सारे हमारी जो कैलकुलेटर वाली फाइल है वो सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकती है इस फंक्शंस वाली फाइल के। अभी तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, बट हम अब लिखते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है DEF, ठीक है। तो ये कीवर्ड क्या आता है, डिफाइन। फंक्शंस का नाम हम अकॉर्डिंग रखेंगे कि हमारा टास्क क्या है, ठीक है। अगर हमें एडिशन करानी है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन कराना है तो सब। तो इसी तरीके से अगर मुझे अभी एडिशन करानी है ऐड, तो एक वेरिएबल num1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, num2 सेकेंड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम एक और कीवर्ड यूज़ करेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमारे पास कीवर्ड है जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा किसे, जो हम फंक्शंस यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। इस मतलब कि रिटर्न क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और रिटर्न कहाँ करेगा मैं वो भी बताता हूँ, पर पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं num2, ठीक है, जो हो गया हमारा ऐड। अब एक और मैं यहाँ पे लिखूँ अगर डिफाइन सब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यही वाली चीज़, ये दोनों वेरिएबल मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब वेरिएबल तुम्हें दिखने में लग रहे होंगे कि सेम है, ठीक है, कि ये वेरिएबल तुमने यहाँ भी यूज़ करे हैं और यही वेरिएबल हम यहाँ पे दोबारा क्यों लिख रहे हैं, फिर जब हमने एक बारी इधर यूज़ कर लिया है ना। तो वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाले जो दो वेरिएबल्स हैं num1 num2, ये वेरिएबल है इस फंक्शंस के लिए, इस फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर तुम कोई भी वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो तो वो
उस फंक्शन के लिए काम करेगा प्रॉपर, वो बाकी फंक्शंस के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि इस वेरिएबल को ये फंक्शन नहीं जानता, इसे नहीं, इस सब फंक्शन को नहीं पता है कि ये वाला जो नम वन है वो कहाँ पर है। अगर मैं इसे नम टू कर दे ना, इसे नम फोर कर देता हूँ और इसे नम फाइव, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम वन, ठीक है, तो ये नम वन जो है, ये वाला नम वन नहीं है, ये नम वन जो है वो दोबारा से डिफाइन हुआ है इस चीज़ के लिए, मतलब ये वाला वेरिएबल जो है, ये वाला, ये दोबारा बना है, ठीक है। खैर वेरिएबल्स के साथ बाद में खेलेंगे, अभी क्या करते हैं, मैं इस चीज़ को इसे ऐसे रखते हैं, ठीक है। नम वन नम टू मैंने यूज़ करे एडिशन ऐड फंक्शन में, सब के लिए मैंने यूज़ करा नम फोर नम फाइव, ठीक है, रिटर्न नम फोर माइनस नम फाइव, ठीक है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद डिफाइन मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस, अब आ जाएगा मल्टीप्लाई फाइव नम सिक्स, इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू नम सेवन, एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है, ये क्या करने वाला है, रिटर्न नम सिक्स इंटू नम सेवन, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना, हमें करना डिवाइड, ठीक है, तो डिफाइन डिवाइड, एक मिनट यार, डिवाइड पेस्ट करता हूँ, इनको मैं रीनेम कर देता हूँ, 6 7 यूज़ करें ना, तो अब हम यूज़ करेंगे 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि गाइस तुम लोग बिगनर हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए यही बेस्ट रहेगा कि तुम वेरिएबल अलग अलग ही यूज़ करो हर फंक्शन, नहीं तो क्या होगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ भी यूज़ किया है और यहाँ भी यूज़ किया। अभी तो नहीं होगा, इस फंक्शन में नहीं होगा, बट कई बार हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कोड में, और वही सेम वेरिएबल हम यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं फंक्शंस में, ठीक है। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला, जैसे मैंने नम वन है, ठीक है, नम वन मैंने यहाँ भी डिफाइन कर दिया, मैंने इधर भी नम वन डिफाइन कर दिया, अगर मैं यहाँ भी नम वन डिफाइन कर दूँ, ठीक है, तो तुम जब अपना ही कोड देखोगे तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये वाला नम वन जो मैंने बाहर लिखा हुआ है और ये वाला नम वन जो फंक्शंस में पड़ा है वो है कौन सा नम वन कौन सा है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में ना हो, जब तुम प्रॉपर कोडिंग सीख जाओगे तब तुम ये चीज़ कर सकते हो, बट बिगनर से ना करें तो ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने फंक्शंस आ चुके हैं, डिवाइड अभी ये रिटर्न नहीं कर रहा, इसे रिटर्न करवा देते हैं, नम 8 डिवाइडेड बाय नम 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट रह गया रिमाइंडर के लिए, लिख दिया, इसके बाद पेस्ट करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 10th और ये 11th, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करानी है नम 10। रिमाइंडर निकालने के लिए हम हमेशा परसेंटेज यूज करते हैं, तो नम 10 नम 11, ठीक है, बीच में लगा हुआ है हमने परसेंटेज। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमारे फंक्शंस तैयार हो चुके हैं, तो हम अब क्या करेंगे, हम इस फाइल, ये फंक्शन सब एक्सेसिबल है यहाँ, मतलब ये फाइल जो है कैलकुलेटर वाली, वो इस फंक्शंस के सारे फंक्शन एक्सेस कर सकती है। अब बात आती है कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है, तो इसे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, चॉइस तक हमने अपना ये वाला कोड लिख लिया था, ठीक है, तो अब इसके बाद
हमें अपना लॉजिक लगाना है कि जैसे अगर यूज़र को एडिशन करानी है, तो जो अगर यूज़र वन इनपुट करता है, ठीक है, तो वो वन कहाँ जाएगा, वो चॉइस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे कोड को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, मतलब हम अब क्या करेंगे, हम अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, और उससे डिसाइड करवाएंगे कि प्रोग्राम किस हिसाब से चलेगा। तो इफ़ चॉइस इक्वल टू ये क्या है, ये है हमारे चेक करने के लिए, ठीक है। ये इक्वल टू जो यूज़ होता है, ये होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, और जो ये डबल इक्वल टू हमने यूज़ करा है, ये है वैल्यू चेक करने के लिए कि चॉइस जो है वो वन के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। वन ये इंटीजर वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरीके से नहीं लिखा है। अगर मैं इस तरीके से वन लिख देता तो ये बनता स्ट्रिंग के लिए, बट स्ट्रिंग नहीं है, हम इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो चॉइस वन, अगर चॉइस हमारी वन है तो कॉल करो किसे, हमारे ऐड फंक्शन को, ठीक है। अब ऐड फंक्शन हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, इस तरीके से हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमने ये वाला जो हमारा एडिशन फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन जब हमने यहाँ पे लिखा हो ना ऊपर यहाँ पे कहीं पे इस कोड में, तब हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हमारा ये वाला जो ऐड फंक्शन है वो कहाँ पड़ा है, वो दूसरी फाइल में पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इम्पोर्ट कराया उस फाइल का नाम, इम्पोर्ट, ये हमारे पास है फाइल नेम, ठीक है, फंक्शंस लिख दिया। अब फंक्शंस के अंदर जो ऐड है उसे यूज़ कैसे करना है, ऐड फंक्शन को, है ना, जो मैंने ये वाला फंक्शन लिखा है ऐड फंक्शन, ये वाला, इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए इसे मैं हटा दूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फंक्शंस, ठीक है। अब हमें करना डॉट, अब उसने मुझे फंक्शन फाइल के अंदर, इस फंक्शंस वाली फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं ना, एक मिनट, डॉट, हाँ, तो जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए ये वाली आईडी वैसे ठीक ही है, इसे यूज़ कर सकते हैं, तुम जुपिटर भी यूज़ कर सकते हो और तुम पाईचार्म यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो ये यूज़ करता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है। तो इसने मुझे सारे फंक्शंस दिखा दिए इस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं जो, ठीक है, ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर, सब, सबसे हमारे पास है सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले मुझे ऐड यूज़ करना, तो मैं करता हूँ ऐड ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद ऐड फंक्शन को हमने कर लिया कॉल, अब जब ऐड फंक्शन कॉल होगा उसके बाद हमने क्या करना, फंक्शन जो है ध्यान से देखोगे तो ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू रिटर्न किसकी कर रहा है, num1 प्लस num2 की, मतलब अगर मेरा num1 है, मतलब num1 जो है वो 10 है और num2 मेरे पास 10 है, तो दोनों को ऐड करके कितना, वो 20, और वो 20 कहाँ जाएगा, वो 20 अभी कहीं नहीं जाएगा। 20 को साइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट, ठीक है, जो हमने रिजल्ट प्रिंट करना है किसका, एडिशन का। तो रिजल्ट इक्वल टू फंक्शंस डॉट ऐड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, वैसे कंफ्यूजिंग नहीं है, ये चीज़ हमें हटा देनी है, ठीक है, हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, हम ये चीज़ यूज़ करेंगे रिजल्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, फंक्शंस मैंने कॉल कर लिया, फंक्शन ने अपना काम किया, उसने वैल्यू रिटर्न करी, जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो वैल्यू कहाँ गई, रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो रिजल्ट के अंदर है, तो मैं इस रिजल्ट में जो वैल्यू पड़ी है मैं वो वैल्यू प्रिंट कराता हूँ और फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट ऑफ एडिशन, ठीक है, कितना है? हमारे पास एक मिनट, ठीक है, जितना भी होगा ये प्रिंट कर देगा अपने हिसाब से। अब मैं इसे रन करते हैं, तो मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रुक रखा है, मुझे इनपुट करना है। अब मैं डालता हूँ वन, क्योंकि मेरे पास चॉइस सिर्फ वन है अभी के लिए, एंटर योर चॉइस, तो हो गया। अब मेरे पास है एंटर फर्स्ट वैल्यू, किसके लिए, एडिशन के लिए, टेन,
10 डाल दी, रिजल्ट मेरे पास क्या आया 20। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। और ये 20 कहाँ पर साइन था, 20 साइन हुआ इस रिजल्ट के अंदर, समझ गए? मतलब कोड हमारा यहाँ से चला, उसने सबसे पहली लाइन में उसने सारे फंक्शंस लोड कर लिए, इसके भी और इसके भी। उसके बाद कोड हमारा यहाँ पे चला, यूज़र ने इनपुट किया 1, उसने चॉइस चेक करी, ओके, तो प्रोग्राम को पता चल गया कि मुझे 1, यूज़र ने 1 डाल रखी है, क्योंकि उसकी चॉइस और यूज़र, मतलब उसकी चॉइस और यूज़र की चॉइस मैच कर गई, तो उसे पता चल गया कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो वो इस इफ के अंदर गया, रिजल्ट वेरिएबल बनाया, फंक्शंस को कॉल, फंक्शंस वाली फाइल को कॉल करके ऐड फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, मतलब ऐड फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद ऐड फंक्शन में हमने क्या लिखा हुआ था, हमने इसमें लिखा था रिटर्न। तो ऐड फंक्शन ने 2 वेरिएबल्स मांगे यूज़र से, जो हमने 10 और 10 डाले, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डल गए। इसके बाद इसने रिटर्न कर दी वैल्यू ये वाली, मतलब इस दोनों की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इनकी रिटर्न कर दी, किसको, वापस इस फाइल को, ठीक है। इस फाइल के पास जब वैल्यू आ गई, इसने वैल्यू डाल दी किसमें, इसमें, क्योंकि इस फाइल ने ये बना लिया था, तो इसमें वैल्यू डल गया। अब हमने उसे नॉर्मली प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तुम अगर आगे बनाना तो मैं बना सकता हूँ, बट वीडियो लंबी चल जाएगी, तो मैं एक दो ही बना के बताता हूँ, तुम बाकी के अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। मैं मेन बना देता हूँ, तो अब कुछ है भी नहीं, अब सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है। तो इफ यहाँ पे चॉइस, अच्छा मैं पूरा ही बना देता हूँ, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन डॉट एड, एड नी सब फंक्शंस, फंक्शंस है तो फाइल नेम में गलती मत करना, नहीं तो ऐसा होगा सब, ठीक है। प्रिंट रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद ओके, और ये चीज़ हम इसे इफ के साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एलिफ, ठीक है। एलिफ क्या होता है, हमने जो नेस्टेड इफ एल्स किए थे उसकी तरह होता है। पता नहीं मैंने पाइथन में वीडियो बनाई है नेस्टेड इफ एल्स की कि नहीं, मैं एक बार चेक कर दूंगा, अगर नहीं बनाई तो मैं डाल दूंगा। बट नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं कि इस इफ के बाद जो है हमारा ये वाली चीज़ चलेगी, और इस एल्स के अंदर हमारे पास ये इफ पड़ा है, समझिए, मतलब ये किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, एल्स के अंदर इफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंडीशन है एल्स के अंदर इफ, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम इस पाइथन में लिखते हैं एल इफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब इसके बाद हम एक और एल इफ लगाएंगे, एल इफ लगाएंगे किसके लिए, चॉइस 3, ठीक है। मैं सिर्फ फंक्शंस चेंज करूँगा, बाकी तुम्हारा ये चीज़ सेम ही रहने वाली है। इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट। तीसरा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई, तो मैं डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला है एलिफ चॉइस इक्वल टू 4, पेस्ट, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है डिवाइड, एक मिनट, सब मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये रहा डिवाइड, तो डिवाइड भी मेरा हो चुका है। अब इसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल टू 5, पेस्ट। अब हमारे पास आ जाता क्या, रिमाइंडर है ना, फिफ्थ पे रिमाइंडर, या यस, तो अब हमारे पास रिमाइंडर भी आ चुका है, मतलब हमने प्रॉपर एक कोड लिख लिया ये वाला, ठीक है। अभी तक मेरा कोड कैसे काम कर रहा था ये देखो,
एंटर योर चॉइस के बाद एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, कितना बुरा लग रहा है। बट अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, तो मैं इस एंटर योर चॉइस के बाद हमारा स्क्रीन क्लियर की कमांड लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ कैसे। अब मैं यहाँ पे हर फंक्शन के अंदर, हर फंक्शन नहीं मतलब इफ़ के अंदर, हर इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर जो है वो लिख सकता हूँ os डॉट सिस्टम cls। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखना अभी मेरे पास कैसे लिखा हुआ है, एंटर योर चॉइस, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो मेरे पास ये वाले जो होंगे ना, एंटर एंटर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ये तीन लाइनें लास्ट की ये वाली, ठीक है, ये अलग से मतलब ये प्रिंट होने से पहले मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने चलाया तो हमारा प्रोग्राम चला और एंटर योर चॉइस, ठीक है, यहाँ तक पहुँच के एडिशन कराई, क्लियर हो गया। एंटर फर्स्ट वैल्यू तो जो पिछला था वो हट गया, एंटर फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 10, रिजल्ट आ गया 20। तो इस तरीके से हम कोड को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे और चलने में तो खैर फिर अच्छा हो लगेगा ही। तो मैं हर उस पर ये डाल सकता हूँ। इस चीज़ को करने के और भी बहुत तरीके हैं, बट बिगनिंग में ये ठीक है, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। CLS हर उस पे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये सिंपल सा, एक मिनट, ये सब्ट्रैक्शन, ये वाली हमारी सेकंड चॉइस में सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन यहां पर हमारे पास आ जाएगा, डिवीजन, और यहां पर रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको बारी बारी रन करा के दिखाऊं तो काफी टाइम जाएगा, ठीक है, तुम खुद भी कर सकते हो बट मैं दिखा भी देता हूँ। तो अभी हमने एडिशन देख ली थी, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। पहली वैल्यू डालते हैं 25, रिजल्ट आया 15, ठीक है, हमारी सब्ट्रैक्शन काम कर रही है। इसे दोबारा रन करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 20, 10, रिजल्ट आएगा कितना, 200, ठीक है, मल्टीप्लाई भी एकदम ओके है। अब डिवीजन तो फिर ओके होएगी, मैं रिमाइंडर दिखा देता हूँ, एक मिनट, इसने मेरे को रिमाइंडर में फंक्शन रिमाइंडर एट, एक सेकंड, ओके, मैंने फंक्शन, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए थे ना, अब सही काम करेगा। तो अब मैं रिमाइंडर दिखा देता हूँ एक बारी, 10 को डिवाइड करो किससे, 5 से, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। तो हम कोड को इस तरीके से बना सकते हैं, तुम फंक्शंस के लिए अपनी एक अलग से फाइल बना लो, ठीक है, उस फाइल को तुम यूज़ करो एज मॉड्यूल अपने मेन फंक्शन के लिए। ये हमारे पास मेन फंक्शन है कैलकुलेटर वाला, ठीक है, क्योंकि हमने बनाना क्या है, कैलकुलेटर। हमारे पास फंक्शंस लिखने के लिए हमने एक सेपरेट फाइल बना लिया, ठीक है, तो हमने उस फाइल को इम्पोर्ट किया हमारी जो मेन फाइल है उसके अंदर, और हम उस जो सेपरेट फाइल हमने बनाई है, हम उसके सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं हमारी मेन फाइल के अंदर, ठीक है। एक्सेस करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, फंक्शंस डॉट एड, डॉट सब, डॉट मल्टीप्लाई,
डॉट डिवाइड डॉट रिमाइंडर, ठीक है, जैसे तुम लिखोगे नाम तुम्हें इतना तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगर बढ़िया लगी हो तो लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं यार अगली वीडियो में, अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक इसके साथ ही मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, कैलकुलेटर की ही बेसिस पे, मतलब हम कैलकुलेटर ही डिज़ाइन करेंगे बट वो इससे थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। उसमें हम हमारा पिंट मॉड्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ताकि जो हमारा कैलकुलेटर है वो बेसिकली जो भी हम चीज़ लिखेंगे उसे जो है वो स्पीच के थ्रू हमें, मतलब कि बोल के हमें बताएगा, सिंपल सी बात बताऊँ तो। देखते हैं, अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो अगर बढ़िया लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।